सो गाइज, अपनी बाइक में एक प्रॉब्लम आ चुकी है। बेसिक सी प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है इसमें चैन सेट जो काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। देख रहे हो चोंच, देख रहे हो ख़त्म हो चुकी है, और चैन जो बहुत ज़्यादा लूज़ है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा लूज़ है। तो ऐसे में मैं चैन को अभी टाइट करके चलाऊंगा, इसको और टाइट कराना अभी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब लूज़ होगी उसके बाद ही मैं इसको चेंज कराने वाला हूँ चैन सेट को। 1200-1300 रुपये का डलेगा। खैर, और सेकंड चीज़ जो इसमें आ रही है वो आ रही है इसका जो कंसोल है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये खटखट कर रहा है। बेसिकली झटकों वगैरह चलाने के बाद एक टाइम के बाद जो ये पार्ट लूज़ हो जाता है, कटकट की आवाज़ आने लगती है इसमें, ऊपर नीचे जो मूव करता है जिस वजह से। ऑलराइट, और एक मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो कभी कभी आ रही है रेयर। हालांकि दो मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं इनको, चैन सेट जो काफ़ी लूज़ हो चुका है और जो कंसोल भी लूज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेक कर रहा है। ऐसे में मैं बता दूं, इसकी सर्विस जो मैंने कराई थी वो कितने पे कराई थी, वो कराई थी मैंने 53,666 किलोमीटर पे। अब टोटल रनिंग कितनी हो चुकी है अभी, 54,901 किलोमीटर चल चुकी है। अब लगा लीजिए कितनी चल चुकी, और इतनी जल्दी जो इसके चैन सेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, कंसोल तो हिलने लगा। खैर, वो रफ़ ड्राइविंग की वजह से हो सकता है। दूसरा, चैन सेट जो लूज़ हुई ना, इसे हमने चलाया पहाड़ों पर, और डबल बैठ के दो लोगों ने बैठ के जो चलाया इसको, हैवी वेट पर्सन ने, तो तब जाके चैन सेट जो लूज़ हो चुकी, क्योंकि मसूरी की पहाड़ी पर चलाना, जो मसूरी गए थे हम लोग पहाड़ों पर, तो वहाँ पर जो हाइट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अचानक टर्न आता है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है, मोर पावर के साथ जो आपने एक्सेलरेट करना पड़ता है, जिस वजह से जो चैन सेट लूज़ हो ही जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ हो चुकी है, एक्सीड कर चुकी है अपनी लिमिट को। देखो, चैन सेट तो घिसा ही घिसा, और लेकिन यार ये देखो लूज़ कितनी होगी, बहुत ज़्यादा लूज़ होगी लिटरली। तो इसको मैं टाइट कराने जा रहा हूँ, चैन टाइट कराऊंगा फिलहाल, और जो इसका ये कंसोल है ये भी टाइट कराना है, और स्पार्क प्लग हो सकता है अभी खुलवा के देख लूँ। सो गाइस, मैं किसी लोकल शॉप पे आ गया हूँ, और दूसरा यहाँ पर जो मैंने कंसोल तो टाइट करा दिया, ज़्यादा लूज़ नहीं था, बट थोड़ा बहुत लूज़ था जिससे कटकट की आवाज़ आ रही थी, मे बी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, मे बी हो सकता कंसोल भी न्यू डलाना पड़ता। तो ऐसे में बाइक बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो मैंने सोचा यार इसको वॉश करा लेते हैं, अदरवाइज़ जो रस्टिंग शुरू हो जाएगी, पार्ट्स में जंग लगने लग जाएगा जो लोहे वाले पार्ट्स हैं, और बेकार भी लग रही थी काफ़ी। अब देखो, वाइट कलर की जो खासियत ये है, जैसी धुलती है ना, मतलब साइन करने लग जाती तुरंत ही, और हालांकि स्क्रैच वगैरह के निशान भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे में इसको वॉश करा रहे हैं, देखो मैंने गर्म में इसको वॉश करा दिया। तो ऐसे आप ऐसी गलती मत करना, गर्म इंजन पर कभी वॉश नहीं कराना चाहिए। सो अभी चैन टाइट होगी और स्पार्क प्लग भी खुलवा के देखने वाले हैं, ऑयलिंग भी हो जाएगी, तो काफ़ी मस्त कंडीशन हो जाएगी। सो जब भी चैन को टाइट कराया जाता है तो फुली टाइट नहीं करते, हल्का सा लूज रखा जाता, और पीछे दोनों साइड के छोटे छोटे नट होते हैं ना जो लगे होते हैं, तो उनको दोनों तरफ से बराबर टाइट किया जाता है। इसमें जो खांचे बने होते हैं उसके हिसाब से जो इसको फुली टाइट किया जाता है, मतलब बोल्ट को, चैन लूज रखी जाती है। उसके बाद देखो, मैकेनिक होगा ना, वो खुद ही ऑयलिंग करेगा, ऑयलिंग करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, जब भी चैन टाइट करेगा तो ऑयलिंग ज़रूरी है, मस्ट है। ऐसे में आप अलग से जो चैन लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं तो ऑयल को अवॉइड कर देना अपने आप, वो कर लेना घर पर आकर, आप ऐसा कर सकते हैं। सो स्पार्क प्लग भी यहाँ पर हमने खुलवा लिया है, और देखो इसे क्लीन करना बाकी है। देखो प्लग की हालत देखो कैसी होगी, हल्का हल्का इसमें भी जो जंग टाइप का आने लगा, इसको क्लीन कर लेंगे। ऑलराइट, और जो स्पार्क प्लग की कंडीशन देखिए आप, देखो कैसा हो रहा है। तो इसको हमने क्लीन करा लिया है हालांकि भी, तो मे बी चेंज कर देंगे फ्यूचर में, नेक्स्ट सर्विस में शायद इसको चेंज कर दें हम। और ऐसे में ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। तो यहाँ पर जो मैंने ब्रेक पैडल की जो रबड़ भी ले ली, जो कि गल चुकी थी, पूरी तरह से बेकार हो गई थी, तो ये 10 रुपये की मुझे मिल गई, तो इसको भी फिट कर लेते हैं भैया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे में आप इसे सर्विस सेंटर लेने जाएंगे ना, वहाँ पे भी सस्ती मिल जाएगी, 15-20 रुपये की मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं। और मैं अभी आपको जो इंजन की आवाज़ ज़रूर सुना देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो इंजन की आवाज़ मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है, धुलने की वजह से या फिर स्पार्क प्लग क्लीन होने की वजह से, कुछ भी हो सकता है। सो हमने क्या क्या देखो काम कराया, और पैसे बताने वाला हूँ कितना खर्चा आया। देखो, चैन टाइट कराई यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा लूज थी, और देखो कितना घिस चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो ऑयलिंग भी होगी, सही हो गया। सेकंड थिंग, इसमें जो कंसोल टाइट कराया, और जो यहाँ पर स्पार्क प्लग भी हमने खुलवा के देख लिया था, उसको भी क्लीन करा दिया। टोटल खर्चा इसमें मात्र 70 रुपये का हुआ, और अलग अलग से मैंने 10 रुपये की रबड़ ली थी, तो 80 रुपये का खर्चे में ये सब हो गया है। सो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग ये काम कितने में कराते हैं। वीडियो अभी पसंद तो वीडियो कर देना लाइक, और शेयर जरूर से कर देना दोस्तों साथ, और चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।